रात का भयानक दृश्य जो है थोड़ा बदल चुका है। अब इस टाइम थोड़ा सा शांति है, पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और रात भर के बाद अभी सड़कें जो है नीचे गीली गीली दिख रही हैं, पर अभी उतनी ज़्यादा बारिश हुई नहीं है। हाँ, घर वगैरह गीले हैं क्योंकि बारिश होती रही है, बूंदाबांदी सारी रात होती रही है। हाय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक नया दिन, एक नई सुबह, और जब नई सुबह आती है तो वो दिन, वो सवेरा तो याद आता ही है ना, जिस दिन हमने बहुत सारी खुशियाँ मनाई थी। तो हर रोज़ को हम जब शुरू करें तो यही सोच के कि आज खुशियों भरा एक नया दिन है। हमें परेशानी हो तो हो, पर पौधे बहुत खुश हैं बारिश की बूंदों से। अचानक से आपको जब आप ब्रश करने के लिए सोए आते हैं और दिखता है इस तरीके से कि पेस्ट ये हो गया है, आपने या तो स्टोर में भी रखा हो, कोई बात नहीं है, पर दिखता है तो सुबह सुबह तो आलस लगता है कि वो अब कौन है स्टोर में से निकालने के लिए जाए। तो हम क्या करते हैं, और अभी तो जो करते हैं करते हैं, बचपन में क्या करते थे, बस इसे लिटाया और इसकी लास्ट लास्ट बूंद तक, अभी भी मैं क्या करती हूँ, ऐसे लिटा देती हूँ और ब्रश की डंडी से पूरे पीछे से बैक से इस तरीके से आगे 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 करते करते करते, और फिर भी ये करते करते पता है, फिर भी मेरे पास 3-4 दिन, मतलब खत्म होने वाले दिन के बाद से कम हफ्ते भर भी पेस्ट चला लेती हूँ। ऐसा करना कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन मजा आता है और अपना बचपन याद दिलाता है। बचपन में तो हम सब सारे भाई बहन यही करते थे, हम तो अम्मा पकड़ा देती थी बेलन, लो ये बेलन, इससे उस पे बेलन घुमाते थे और बेलन घुमा घुमा के जो पूरा पेस्ट निकलता था तो लास्ट लास्ट बूंद तक उसे यूज करते थे। आज सब में किसने ऐसा ऐसा किया जरूर मुझे बताइएगा। और ये सारी बातें करते करते अचानक मुझे ध्यान दिया मेरा कि मतलब ये हरा रंग का इतना मुझे प्रेम है कि देख लीजिए, हरे रंग का शॉल मैंने ओढ़ा हुआ है और मेरा पॉट भी हरे रंग का। तो अब बिल्कुल ऐसा मर्ज हो गया है पॉट में और मेरे कपड़ों में ये हरा रंग। अभी बारिश रुकी हुई है और आसमान बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। देखिए कैसे बड़े बड़े ऐसे वाइट वाइट दिख रहे हैं, ब्लू और वाइट का स्काई ब्लू, इसी को कहते हैं ना स्काई ब्लू, आसमान के जैसा। तो बारिश रुकी है तो मैंने कहा कि एक मिनट चल के जरा सा अपने गार्डन का हाल देख करके आती हूँ। अभी बीच वाली मिट्टी उट्टी जो जमा हो गई है, वो जो रखा हुआ था ना सर्कल, तो उसको भी हटाना है। कल 29 जनवरी था तो बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे दो भाइयों का जन्मदिन था कल, मेरे मझले वाले भाई का, छोटे वाले भाई का, और मेरे मझले वाले भाई के बेटे का। तो कल तीन तीन लोगों का जन्मदिन था, तो हम लोग सारे लोग जितने फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना, तो उसमें बैठ के सबने बातें की कल, बाबूजी मतलब पूरी फैमिली से बात हुई, सबको एक ही बार रिंग कर दिया था, तो जिस सबने उठा लिया, एक दो लोग फैमिली मेम्बर्स जो बाहर थे उन्होंने नहीं उठाया, पर सबसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। और अभी बहुत अच्छा लग रहा है, ये देखिए फूल सुबह सुबह कितने सारे खिले हुए हैं, देख रहे कितने सारे फूल खिले हुए, सारे पौधों में फूल खिले हुए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो कल भैया से बात हो रही थी तो भैया ये भी कह रहे थे कि चलो बारिश हो रही है, हमें परेशानी हो रही है, लेकिन तुम्हारे पौधे तो बहुत खुश होंगे ना, हैप्पी हैप्पी। मैंने कहा हाँ भैया ये बात तो है, तो वाकई में पौधे बहुत खुश हैं। चलिए नीचे चलती हूँ मैं। अब जैसे सीढ़ियों से उतरते हैं ना, तो ये फिश एक्वेरियम मुझे दिखता है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी ये सारे फिशेज लग रही है ना, रंग बिरंगी। और ये देखिए ये ब्लैक पे वाइट डॉट दिख रहा है, ये स्नेल है। और मैं दिखाती हूँ, दो ऐसे ब्लैक वाले लेके आई हूँ, एक ब्लू है और एक रेड है। रेड कलर वाला भी मैं दूसरी तरफ से जाके आपको दिखाती हूँ। देखिएगा इतना बिल्कुल शॉप वाले से मैंने कहा आपने पेंट किया है, तो कहते नहीं मैडम नेचुरल है। ये देखिए देख रही है, रेड पे ब्लैक हमेशा बनाते हैं ना आर्टिफिशियल, और देखिए ग्रीन पे ब्लैक कितना खूबसूरत लग रहा है नेचर के भी। ये देखिए वाइट ब्लैक पे वाइट, उधर ब्लैक पे वाइट, ऐसे उल्टा उल्टा है। तो चार लेकर के मैं आई हूँ, बहुत ही खूबसूरत एक्वेरियम में लग रहा है। इसको कवर करने के लिए शीट भी तो चाहिए। हाँ, शीट तो नॉर्मल शीट लेते हैं हम उधर से। हाँ, तो वो शीट भी तो कैसे मीटर के हिसाब से मिलती है, 30-25। तो सामान कहाँ से लेके आओगे, नांगर बाजार से? नांगर से। अब लाल बाबू को सामान लेने के लिए इसलिए भेजना पड़ गया क्योंकि लाल बाबू ने कंफर्मेशन की रात को बहुत देर, और घर में अगर थोड़ी सी हेल्प के लिए बोल दो कि भाई बाजार से सामान लाना है, तो बस एक ही बात सुनने को मिलता है, क्या है, घर सेट है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है।
तुमको अगर बनना है मेहनत की मूर्ति, मिसाल बनाना है कि तुम बहुत मेहनती हो, तो तुमको जो करना है करो, खुद से समझ में आता है, मुझसे नहीं होगा तो बस मुझे ही करना है भाई, शौक मुझे है, मुझे सजाना है संवारना है तो सब कुछ मुझे ही करना है। और थोड़ा सा बचपन से बड़े भाइयों को देखते देखते बहुत सारी चीज़ें, तो ये टीवी उतारना, बल्ब लगाना, फ्यूज़ ठीक करना, ये सब कुछ जो है बस मैं सीखती चली गई हूँ। तो अब ये बारी आ गई थी टीवी उतारने की। अब टीवी उतारने लगी तो सारा केबल उबल तो मैंने निकाल दिया, फिर इसको फिक्स भी मुझे ही करना है। अब इतने छोटे मोटे काम तो हम लोगों को आना ही चाहिए, मुझे शौक है इसलिए मैंने सीख लिया है। लेकिन जब उतारने लगी टीवी तो देखा बैक साइड से मोटे वाले स्क्रू के साथ इसको टाइट किया हुआ था, जो कि उतरना मुश्किल था, और पीछे बहुत थोड़ी सी जगह थी, स्क्रू ड्राइवर मेरे पास बहुत लंबा वाला था। तो मैंने कहा कि चलो फ़ोन करती हूँ, जो हमारे मैकेनिक है आते हैं और जल्दी जल्दी जो बाजू में रहते हैं जल्दी आ जाएंगे वो। तो मैंने उनको किया फ़ोन। हाँ, गुड मॉर्निंग राजेंद्र जी, कैसे हो बेटा? मेरा एक काम है, बहुत अर्जेंट है, वो ना मेरे कमरे का जो कीवी है ना उसको खोलना है, क्योंकि पेंटिंग करवानी है, तो प्लीज़ 5 मिनट के लिए आके उतार जाओ ना उसको। ठीक है बेटा, आके उतार देना, प्लीज़ 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 प्लीज़। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। जल्दी से तैयार हुई सारा काम मैनेज करके, और फिर गाड़ी में बैठते ही राहत की सांस ली मैंने। पता है, आज आप सबसे शेयर करने का मेरा मन कर रहा था। मैं जब युवा हो रही थी ना, जब यंग बिल्कुल किशोर अवस्था में थी, तो बहुत सारे जज्बात जो है ना इंसान के मन में उमड़ते घुमड़ते हैं। 12वीं का एग्ज़ाम दे रही थी और मेरे मन में था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो कि जितना परिवेश हमारे परिवार फैमिली होता है उससे ज़्यादा हम लोगों के टाइम के, जिस टाइम के मैं हूँ उस टाइम में बहुत ज़्यादा हो गया। तो किसी रिश्तेदार के घर चले गए, ऐसा कोई हम लोगों को ये नहीं मिलता था कि हम बाहर चले जाएं, घूमने चले जाएं ग्रुप में दोस्तों के साथ। तो हम लोगों की लाइफ जो है आज से 45 साल पहले जब 15-16 साल की मैं थी, तो कहीं जाने को मिलता नहीं था। फिर भी एक जज्बा उमड़ता था कि मुझे कुछ करना है ऐसा, मतलब मेरे खास। धीरे 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 करके मैंने वो सब कुछ किया, बहुत डांट खाया, और हर एक ट्रेंड को मैंने शुरू किया अपनी फैमिली में। उसी टाइम में जब मैं 12वीं में थी तो मेरी शादी हो गई, मतलब हमारे टाइम में मैट्रिक हुआ करता था, तो मैट्रिक के बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद वो अलग एक कहानी है कि मैंने फिर एंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर नौकरी की। तो ये जज्बा जो था मेरे मन के अंदर हमेशा से था। तो मैंने 12वीं में लिया NCC, ठीक है, NCC ज्वाइन किया मैंने, और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती चली गई शिप मॉडलिंग में। मैं थी नेवी में, मैंने इन्फेंट्री नहीं लिया था और एयरफोर्स नहीं लिया था, मैंने नेवी लिया था। और उसी साल 81 की मैं आपको बात बता रही हूँ, 81 में NCC से नेवी शुरू हुआ था। फिर मेरा परेड वेड अच्छा था, तो मेरा राजपथ पे परेड करने के लिए एक लीडर होता है, जितने भी NCC की टुकड़ियां जाती हैं तो उसमें लीडर चुना जाता है जो सबसे आगे होता है फ्रंट पे परेड में। शिप मॉडलिंग तो करने हम, मुझे शिप बनाने का क्राफ्ट करना होता था, तो उसमें सिलेक्शन हुआ, तो उसके लिए परफॉर्म करने के लिए प्रेजेंटेशन के लिए प्रेसिडेंट हाउस ले जाया गया था। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ राजपथ पे परेड करने के लीडरशिप के लिए। तो मैं भारत के NCC नेवल फर्स्ट कैडेट हूँ जो 81 पे राजपथ पे मैंने लीड किया था अपने भारत की टुकड़ी नेवल कैडेट को। तो बस जब इस बार 26 जनवरी को मैं देख रही थी, तो और अभी 75 वर्ष जब NCC के मनाए गए, तो मन में थोड़ा सा ये हो रहा था कि अगर सारा चीज़ ऑर्गेनाइज किया गया था तो ये भी ऑर्गेनाइज किया जाता कि जो फर्स्ट कैडेट हैं NCC के, चाहे वो शिप मॉडलिंग में गए, चाहे नेवल के जो NCC में गए, या फिर इन्फेंट्री या एयरफोर्स के, तो उन्हें बुलाया जाए। मेरा मन बहुत था उसमें जाने का। तो बस ये मुझे आप सबसे शेयर करना था। इसी तरह से हमेशा जो कुछ भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना है तो बस मुझे करना है। अलग अलग से जुनून रहे हैं मेरी जिंदगी में, और जो भी जुनून मैंने शुरू किया है, पाला है, उसे पूरा भी किया है। कभी मैं सोचती नहीं थी कि मैं ड्राइविंग करूँगी,
आप ये सोच सकते हैं कि मतलब एक जिस हाई स्कूल की हुई एक लड़की, उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। अभी ये शीट वगैरह डाल के बस इतना सारा काम हुआ है, और अभी शाम के कितने बज गए हैं, 7:15 हो रहे हैं। मैं ऑफिस से अब घर आ गई हूँ। अब इस शीट को यहाँ से हटाऊंगी क्योंकि यहीं पे मुझे सोना है, और सुबह मॉर्निंग ड्यूटी है। फिर सुबह मॉर्निंग ड्यूटी में जाने से पहले ये शीट लगा जाऊंगी, और इस तरह से बस आज ये प्रोग्रेस हुआ है काम का। थोड़ा सा जहाँ पे क्रैक वगैरह थे, वो मसाला वगैरह आप देख रहे हैं भरा गया है, और टेरेस पे भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए सारा ये मसाला वगैरह भरा गया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक शीट मैंने मंगवाई थी, इसको भी पूरा अच्छा से पैक कर दिया है ताकि कवर्ड में अंदर धूल ना जाए। तो इस तरह से आज के दिन का ये काम संपन्न हुआ, और अब मैं इसको हटा उठा के कपड़े उपड़े चेंज करके यहीं पे आराम करूँगी। सुबह उठ के फिर मुझे 5 बजे जाना है। तो अभी तक अगर आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। कल आपसे होती है मुलाकात, तब तक हंसते रहिए, गाते मुस्कुराते रहिए, और मेरा साथ बनाए रखिए। गुड नाइट, बाय बाय। सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, वरना मैं ही नाराज़ हो जाऊंगी आप सबसे। आप सबकी डांट खाती रहती हूँ तो मेरा भी तो हक बनता है ना, कि अगर आप सब हमारी बात नहीं मानेंगे तो मैं भी आप सबको डांट सकूँ। हाँ, चलिए, सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।